गाइस देख सकते हैं जैसा कि ये है बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अजरबैजान। वेलकम टू अजरबैजान माय फ्रेंड्स ऑल। जैसा कि देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं अभी इस वक्त बाकू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फाइनली गाइस हो चुका है मेरा होटल से चेकआउट और मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, जो कि मेरे को अभी अजरबैजान जाना है। मेरा जो तीसरा कंट्री है ट्रैवल, और ये ब्लॉक है कजाकिस्तान अलमाटी से अजरबैजान बाकू। तो मैं अभी चल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, तो चलकर देखते हैं फिर वहाँ का मेरा बोर्डिंग वगैरह करते हैं। मेरी फ़्लाइट है अभी, एक्चुअली मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ अभी। मेरी फ़्लाइट का टाइम है 2:00 मॉर्निंग। तो मैंने जो फ़्लाइट बुक की है अजरबैजान एयरलाइंस डायरेक्ट फ़्लाइट मैंने बुक की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बस से मैं अभी उतरा हूँ, अभी बस से ट्रैवल किया हूँ मैं। आई थिंक मैं भी मेरा होटल से बस टर्मिनल, जैसा देख सकते हैं जो बस जा रही है वो बस, ये बस से मैं अभी उतरा हूँ। जस्ट यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट बस है, इसका सिर्फ चार्ज मेरे को इसने बस ने किया है 40 रुपीज़ ओनली। 40 रुपये में मैं होटल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलमाटी आया हूँ। बहुत अच्छा है एक्चुअली यहाँ का बस का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सबसे कमती है। ट्रैवल भी इजी है, कंफर्टेबल एसी, एयर कंडीशन, वॉल्वो बस है। तो बहुत एक अच्छा एडवांटेज है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। और सेकेंड, यहाँ पे अगर सिर्फ प्राइवेट टैक्सी या आप इंडेक्स से जैसा यहाँ पे जो बुकिंग करते हैं, जैसा इंडिया पाकिस्तान में अपन उबेर या कोई प्राइवेट ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हैं तो वो टैक्सी वाले चार्ज करेंगे आपको इंडियन 500 रुपीज़, 500 से 600 रुपए भी लेते हैं, उससे ज़्यादा भी लेंगे, 1000 रुपए भी लग सकते हैं एज ट्रैफिक का, और डिपेंड ऑन द टाइमिंग, तो टाइमिंग के कंट्रोल पे रहता है। तो वो चार्ज करते हैं एज़ पर द टाइमिंग एंड द रूट ट्रैफिक। तो बस से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, बस से सिर्फ मैं 40 रुपीज़ में मैं ट्रैवल करके अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का अभी ये इंट्रेस है, और यहाँ पे आई थिंक कुछ एक्सीडेंट हो गया है एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे ऐसा होते रहता है, देखिए जैसे यहाँ पे पुलिस इमीडिएट आ गई है, अभी ये लोग एक्शन करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे। ये इंश्योरेंस करने के बाद में फिर मालूम पड़ेगा किसकी गलती है क्या है। ये यहाँ का एक्शन देखिए पुलिस का, जो ट्रैफिक कंट्रोलर है। तो अभी चलते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। मेरा सामने देखिए एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पर चलकर देखते हैं, बोर्डिंग पास वगैरह करते हैं। मेरे पास अभी है 6 घंटा, क्योंकि मैंने आज होटल से किया हूँ चेक आउट जल्दी, क्योंकि आज का डे का मेरे को चार्ज पे करना था, इसके लिए मैंने चेकआउट कर लिया हूँ 2 बजे ही मेरा हॉस्टल से। और अभी मैं निकला हूँ, नमाज़ पढ़ा हूँ, जुम्मा की नमाज़ पढ़ के मैं भी निकला हूँ। तो ये देखिए एयरपोर्ट का इंट्रेस है, देख सकते हैं जैसा कि एयरपोर्ट का एंट्रेंस है। अभी हम जाते हैं यहाँ से एयरपोर्ट डिपार्चर पे। तो बाय वॉकिंग जा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, बस टर्मिनल से अभी मैं उतरा हूँ। अगर से आप प्राइवेट कार से या टैक्सी से आते हैं तो पूरा आप अंदर तक जा सकते हैं डिपार्चर तक, तो वहाँ पे आपको डिपार्चर पे ड्रॉप कर देगा प्राइवेट कार और टैक्सी से अगर से आप आते हैं। तो मैंने तो सोचा भाई 40-50 रुपये में काम हो रहा है, तो 400-500 हज़ार रुपये क्यों देने का, सही है ना। सोलो ट्रैवलर है और बजट ट्रैवलर है, तो उसके लिए हम जितना मैक्सिमम कम पैसे में ट्रैवल करें उतना ज़्यादा अच्छा है वो सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा बैग है, बैग उठाते हैं चलते हैं। ये देखिए सामने का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर कुछ काम एक्चुअली चल रहा है बाहर, तो चलते हैं ऊपर डिपार्चर में। ये है यहाँ का अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देख सकते हैं यहाँ का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो फिर बने रहिए मेरी वीडियो पर, चलते हैं फिर चलकर देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि अभी मेरे को क्रॉस करना है रोड, और रोड क्रॉस करके जाना है डिपार्चर में फिर। और मेरे पास एक हैंड बैग है, और मैं इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता हूँ अभी, मोबाइल को मैंने हाथ में। ओके, तो सी यू ऑन डिपार्चर। तो फाइनली गाइस अभी आ गया हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर। जैसा कि देख सकते हैं ये अराइवल है, और अभी हमें जाना है डिपार्चर पे।
तो चलते देखते हैं फिर डिपार्चर में क्या हाल है। ये पूरा अराइवल है अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजाकिस्तान का। तो चलते हैं अभी डिपार्चर की तरफ। ये पूरा अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजाकिस्तान, यहाँ का ये लॉ कैफेटेरिया वगैरह, यहाँ का रेस्टोरेंट्स वगैरह और वेटिंग एरिया है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर। तो अभी जा रहे हैं, हमें अभी डिपार्चर ऊपर की तरफ जाना है, तो लेते हैं एस्केलेटर और चलते हैं फिर डिपार्चर की तरफ। तो गाइस सिंपल है, किधर भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आपको कुछ डरना नहीं है, सिंपल रहना है और जितना हो सके कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस इज मेन है, कुछ होता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। आप जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे तो उतना ही ट्रैवल के लिए आपको ईजी रहता है। ये देख सकते हैं पूरा अराइवल एरिया है। तो अराइवल एरिया में मेरे को आने के टाइम पे एक चीज़ थी, ये चेक इन करना पड़ा अराइवल के अंदर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी के लिए एक्चुअली थोड़ा बहुत रहता है शायद से। तो अभी चलकर देखते हैं ऊपर का क्या हाल है बोर्डिंग का, देखते हैं। अभी तो मेरे पास 6 घंटा है, लोग बोर्डिंग करने देंगे या नहीं देंगे पता नहीं है। और एक बार बोर्डिंग हो गए तो फिर थोड़ा सा अंदर जाके रिलैक्स करेंगे यार, मालूम नहीं अभी बोर्डिंग का क्या हाल है। देखते हैं फिर बोर्डिंग में जाके, फिर बोर्डिंग के बाद फिर रिलैक्स करने का टाइम है फिर गाइस। ये है डिपार्चर एरिया, यहाँ पे विज एयरवेज का बोर्डिंग चालू है। विज एयरवेज जिसकी है वो लोग विज एयरवेज के लिए यहाँ पे लाइन लगाना है, और हमें जाना है सबसे यहाँ की बेस्ट एयरलाइन क्या बोलते हैं अपनी एयरलाइन का नाम, अजरबैजान एयरवेज। तो अजरबैजान एयरवेज का काउंटर देखते हैं बोर्डिंग का किधर पे है, फिर देखते एयरपोर्ट के अंदर जो हमारा डिपार्चर का रिलैक्सेशन अब जाकर थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये है पूरा एक्चुअल डिपार्चर एरिया, यहाँ से आप एंट्री भी कर सकते हैं, अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह भी है देख सकते हैं। और यहाँ तो पता नहीं काउंटर देखते हैं एरेबिया के लिए। तो गाइस चेक करता हूँ अभी लोग अर्ली चेकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगर अर्ली चेकिंग के लिए देते हैं अलाउ करते हैं तो ओके, नहीं तो फिर यहाँ पे किधर पे वेट करते हैं फिर जब तक लोग का डिपार्चर का बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है अजरबैजान का। तो चलते हैं, चलकर फिर अजरबैजान का बोर्डिंग करते हैं और फिर चलते हैं डिपार्चर की तरफ, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया अलग का बोर्डिंग का और लाइन भी है। तो फटाफट मैंने ऑलरेडी एक अच्छा किया था, वेब चेकिंग मैंने कर दिया था। तो वेब चेकिंग जो भी एयरलाइंस की फैसिलिटीज है यार, प्लीज़ वेब चेकिंग किया करो, क्योंकि उससे फैसिलिटीज से क्या होता है ईजी होता है और फास्ट प्रोसेस होता है वेब चेकिंग से। तो जब भी आप इधर भी ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल, तो जो भी एयरलाइंस की वेब चेकिंग होती है तो वेब चेकिंग कर कर आप जाओ तो आपका काम जल्दी होता है। तो चलिए बोर्डिंग क्लियर करते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मेरा हो चुका है बोर्डिंग, ये है मेरा बोर्डिंग पास, दिखाता हूँ यहाँ से। तो मेरा हो चुका है बोर्डिंग और अभी चलते हैं डिपार्चर की तरफ, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं फिर अजरबैजान के लिए, देखते हैं कजाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑल्सो। और ये है यहाँ का जो डिपार्चर से हमको जाना है उधर पे, वेब चेकिंग करने के बाद मेरे को मिल गया है मेरा बोर्डिंग पास। और अब चलते हैं यहाँ की सिक्योरिटी जो इमिग्रेशन है मेन वो क्लियर करते हैं। और यहाँ से हमें करना है हमारा बोर्डिंग स्कैनिंग, जो कि यहाँ से स्कैनिंग करने के बाद हमें अलाउ करता है अंदर एंट्री के लिए। तो इसके लिए है स्कैनिंग, तो स्कैन हमारा करने के बाद ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्कैनर है, ये हो गया अलाउ। तो यहाँ से जाते हैं अंदर और ये इमिग्रेशन है अभी अंदर का, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं फिर चलते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ का इमिग्रेशन है, चेक कर हो गया है मेरा इमिग्रेशन चेक होने के बाद में एक्चुअली मेरा ये जो बैगेज है ये हैंड बैग है, एक्चुअली मेरा चेक इन बैग नहीं था। तो हैंड बैग में मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया, इसमें मेरा थोड़ा सा सामान था, क्योंकि हैंड बैग मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट के लिए मैं लेके निकला हूँ, क्योंकि ये फ्लाइट में ओनली मेरे को अलाउड है हैंड बैग 10 kg।
तो मेरे को इतना पता नहीं था, मेरे इसमें स्प्रे का जो बॉटल था वो रह गया था, और स्प्रे का बॉटल रहने की वजह से मेरे को यहाँ पे इमिग्रेशन में रोक दिया और मेरा पूरा बैगेज ओपन किया, चेक किया सामान, उसमें वो लोग को मिल गई मेरे स्प्रे की बॉटल। और स्प्रे की बॉटल मिलने के बाद उन्होंने मेरा स्प्रे बॉटल निकाला, थ्रू आउट किया, मेरा बैगेज को वापस से रीपैक किया और फिर मेरे को आउट कर दिया, ओके कर दिया, मतलब इमिग्रेशन इज डन। तो एक एडवाइस है गाइस, अगर से आप जब भी फ्लाइट बुक करते हैं तो चेक कीजिए कि आपका बैगेज हैंड बैग है या चेक इन बैग है। तो चेक इन बैग में नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं और आप चेक इन बैग में डाल सकते हैं कुछ भी सामान, लेकिन हैंड बैग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप क्या लेके जा रहे हैं इमिग्रेशन में, वहाँ पे कैच करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए एक एडवाइस है, जब भी आप हैंड बैग इंटरनेशनल ट्रैवल में आप ट्रैवल करें तो उनके जो फ्लाइट के रूल्स एंड रेगुलेशन है तो प्लीज़ वो फॉलो कीजिए। उसमें बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि क्या क्या आप कैरी कर सकते हैं और क्या क्या कैरी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी मेरा इमिग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, मेरा बोर्डिंग पास देख सकते हैं, अज़रबैजान का बोर्डिंग पास भी मिल चुका है। अभी इसके बाद देखते हैं, यहाँ का सामने ड्यूटी फ्री शॉप है, ड्यूटी फ्री शॉप में चेक करते हैं फिर कुछ सामान। तो गाइस मैंने चेक किया अपना जो फ्लाइट का मेरा जो गेट है उस पर तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इन्फॉर्मेशन काउंटर जो था वहाँ से मैंने चेक किया, 203B का मेरा गेट है और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे 203A। और चेक करते हैं 203B जो काउंटर है अज़रबैजान का फ्लाइट का जहाँ से डिपार्चर है। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे 203A है, 203B चेक करते हैं फिर और वेट करते हैं फिर वहाँ पे जाने के लिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने चेक किया है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हैं कौन सी किधर है, ये तो पूरी अज़रबैजान की जो कज़ाकिस्तान की पूरी लैंग्वेज है, वैसी कज़ाक लैंग्वेज आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मेरी हो चुकी है बोर्डिंग फिनिश और मैं अभी जा रहा हूँ अज़रबैजान की फ़्लाइट में, अज़रबैजान बाकू। तो चलिए चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अज़रबैजान फ़्लाइट का और लेते हैं उसके मज़े, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अज़रबैजान फ़्लाइट और अज़रबैजान की कंट्री के लिए। तो इन्जॉय करते हैं, चलते हैं, चलकर देखते हैं अज़रबैजान का क्या सिस्टम है और उनका क्या हाल चाल है। और ये है फ़्लाइट का डायरेक्ट एंट्री, यहाँ से इंटर करना है हमें डायरेक्ट फ़्लाइट में। तो ये एंट्री है फ़्लाइट के अंदर के जाने की। देखते हैं फिर अज़रबैजान की फ़्लाइट, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैवल है। ये है फ़्लाइट अज़रबैजान की, वाव यार रियली सो नाइस फ़्लाइट। अच्छा खासा ये फ़्लाइट का देखा है मैंने, सीट वगैरह बहुत अच्छा है, दिखने में स्पेस भी काफ़ी है इस पर लगता है ऐसा। चलकर देखते हैं यहाँ पे आगे मेरी सीट, और पता है मेरी सीट है विंडो, क्योंकि एज यूजुअल मैं चेक करता हूँ वेब चेकिंग में और मैं सीट सिलेक्शन का कभी भी ऑप्शन छोड़ता नहीं हूँ, तो वेब चेकिंग करता हूँ ऑलवेज, और सीट सिलेक्शन का मौका मिलने पर सीट चेकिंग भी करता हूँ मैं। तो मेरी विंडो सीट है 29, तो चेक कर कर फिर बताते हैं विंडो सीट और क्या है इसका। हेलो हाउ आर यू, वो है 29L। तो ये है अज़रबैजान की फ़्लाइट। तो जैसा कि दोस्तों मैं देखते हैं मेरी जो फ़्लाइट है विंडो सीट एज यूजुअल, तो ये मेरी विंडो सीट जो मिलती है मेरे को हमेशा मेरी लक और मेरी थोड़ी सी माइनस से। फ़्लाइट तो काफ़ी अच्छी है, बस इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है और स्पेस है इसमें अच्छा खासा बैठने के लिए, और जैसा देख सकते हैं ये विंडो सीट। तो रात का सफ़र है अभी, कुछ खाते हैं फ्लाइट का और सो जाते हैं, सुबह उठते हैं अज़रबैजान में, फिर देखते हैं फिर अज़रबैजान का एयरपोर्ट इमिग्रेशन वहाँ के ब्लॉक। सी यू गाइस।
जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अज़रबैजान, और यहाँ का अभी करते हैं इमिग्रेशन क्लियर, और करता हूँ मैं अपडेट आपको क्या इमिग्रेशन का स्टेटस है। देख सकते हैं जैसा ये बाहर अज़रबैजान की फ़्लाइट वगैरह लगी है, और अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। तो चलिए चलकर देखते हैं बाकू इंटरनेशनल अज़रबैजान का इमिग्रेशन एयरपोर्ट का। अच्छा, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है एक्चुअली ये अज़रबैजान का, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो मैंने जितना भी अज़र उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान का एयरपोर्ट देखा हूँ, उससे ये लाख दर्जा अच्छा है यार। बहुत अच्छी कंडीशन में है और सुपर। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लेवल बोल सकते हैं इसको, कितना अच्छा यहाँ का एक्चुअली एयरपोर्ट है। अच्छा लगा मेरे को तो ये देख के। चलो कुछ तो अच्छा लगा भी है अज़रबैजान का एयरपोर्ट देख के। तो चलो चलकर क्लियर करते हैं यहाँ का इमिग्रेशन। ये यहाँ का इमिग्रेशन है और बहुत लाइन लगी है भाई यहाँ तो इमिग्रेशन में, देख सकते हैं आप। तो जैसा दुबई एयरपोर्ट होता है यहाँ पे लाइन लगती है, ऐसा यहाँ पे भी बहुत लाइन लगी हुई, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इमिग्रेशन पूरा जाम लगा हुआ है इमिग्रेशन में। भाई ये है अज़रबैजान का डिपार्चर, खलास हो गया, अभी बैगेज के लिए आए हैं। ये है अज़रबैजान का एयरपोर्ट, वाह सीरियसली गुड। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि देख सकते हैं मैं अभी पहुंच चुका हूं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अज़रबैजान। अभी यहां से चलते हैं, थोड़ा सा मेरे को मनी एक्सचेंज करना है। मनी एक्सचेंज करके फिर यहां का मैंने पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया है कि कैसे ट्रैवल करना है बाय बस, और यहां का एक सिम कार्ड भी लेना है लोकल, क्योंकि लोकल सिम कार्ड के बिना तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, पूरी कंट्री को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और किधर भी जा नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक सिम कार्ड ले लो और चलते हैं फिर सिटी की तरफ बस पकड़ कर, तो फिर टैक्सी का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एक्सचेंज, चेक करते हैं यूएस डॉलर करेंसी एक्सचेंज में कितना ये लोग करता है यूएस डॉलर। सो अज़रबैजान का जो यहाँ का लोकल करेंसी है मन्नत, उसका कैलकुलेट करते हैं। तो फिर चेक करते हैं क्या उसका प्राइस रेंज, उसका प्राइस है इसका बाइंग और सेलिंग दोनों का। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी आया है ये प्राइस एक्सचेंज के लिए, यूएस डॉलर है 1.6500 मन्नत। ओह माय गॉड, यूएस डॉलर का बहुत ज़्यादा है, कमती दे रहे हैं ये लोग, तो बेटर है मैं चेक करता हूँ फिर वहाँ पे जाके। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं ये है पूरा ओवरऑल प्लान, 35 अज़रबैजान, 45 अज़रबैजान मन्नत। तो इसमें मिलता है 8GB, 15GB, 33GB, ये सब इसका डेटा और पैकेज है। तो मैंने सबसे चूज़ किया लास्ट 15 अज़रबैजान मन्नत 2GB डेटा के लिए, जो कि इसका ऑलमोस्ट इंडिया का कह सकते हैं 750 और 800 रुपीज़ होता है। तो चेक करते हैं फिर इसका सिम कार्ड लेकर। ओके डन गाइस, देख सकते हैं जैसा कि ये है बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अज़रबैजान। वेलकम टू अज़रबैजान माई फ्रेंड्स ऑल। जैसा कि देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं अभी इस वक्त बाकू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहां से ले रहा हूं अभी बस। तो इसका जो इमिग्रेशन वगैरह था मैं उसका आपको अपडेट दे दूंगा जल्दी, क्योंकि मेरे को लिया है सिम कार्ड और मेरा करेंसी एक्सचेंज सब किया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की जो लोकल टैक्सी है, यहाँ पर ये लोकल टैक्सी चलती है, और यहाँ का ये बस स्टॉप है, और ये है पूरा बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अज़रबैजान का है। अभी मेरे को यहाँ पे बनाना है मेरा कार्ड, जो कि बस के लिए ट्रैवल यूज़ कर सकते हैं हम किधर पे भी पूरा ओवरऑल अज़रबैजान में। तो वो कराने के बाद फिर निकलते हैं हम सिटी की तरफ। ओके, ये है आई थिंक मे बी बस का कार्ड बनाने का सिस्टम यहाँ पे, तो देखते हैं चलकर फिर बनाते हैं बाकी कार्ड। ये है बाकी कार्ड। ओके, तो ये बाकी कार्ड बनाते हैं फिर देखते हैं फिर इसका एडवांटेज।
तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आप बना सकते हैं अपना ट्रैवल कार्ड, जो कि आपको अगर से अजरबैजान में भी किधर पे भी ट्रैवल करना है। तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरा मन्नत का कार्ड, सॉरी तो मैं बना चुका हूँ अपना कार्ड अभी गाइस। तो देख सकते हैं मैंने लोड किया है ये मेरा कार्ड, जिसमें मैंने 3 अजरबैजान मन्नत डाउनलोड किया है, मतलब 3 मन्नत बैलेंस और 2 मन्नत का इसका कार्ड बनता है गाइस। इधर भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं ये अजरबैजान के कार्ड पे, तो उसका एक एडवांटेज है आपको, क्योंकि इधर भी आपको ट्रैवल करना है तो बस से और मेट्रो से तो आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सेम ये दुबई का सिस्टम है, दुबई का सेम सिस्टम है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी अजरबैजान। तो चलो कैच करते हैं बस, चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ फिर, और वहाँ से हम चलते हैं फिर हमारा जो हॉस्टल है कहाँ पर है सर्च करते हैं, फिर निकलते हैं हॉस्टल की तरफ गाइस। देख सकते हैं अभी इतना स्मूथ काम हो चुका है, सब इजीली अभी हम ट्रैवल कर सकते हैं। देखो बसेस भी आ रही है पूरी, तो ये सब लोकल बसेस है गाइस। देख सकते हैं जैसा कि ये है एक्चुअली एयरपोर्ट से जाने वाली सिटी सेंटर, जो कि अजरबैजान का जो बाकू का मेन सेंटर में जाती है, सबसे चीप और सबसे अच्छी। तो बेटर है टैक्सी से अच्छा ये बस लो, बस लेके सीधा 20 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम एयरपोर्ट द सेंटर ऑफ बाकू। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लोग, तो आई थिंक अभी 20 मन्नत 25 मन्नत बोला है। तो मैं अभी बस से जाता हूँ, उससे अच्छा 3 मन्नत में। तो अभी आ रही है बस, ये वाली बस से हम फ्रंट सीट को मैं बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रंट सीट पर बैठना था, तो मैं ये सीट पर नहीं बैठ रहा हूँ ये बस में, ये बस को बस मैं एस्केप कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी फ्रंट सीट हो चुकी है फुल, क्योंकि मेरे को बैठना है फ्रंट सीट पे और एक्सप्लोर कभी करना है सिटी को। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ ये सेकेंड वाली बस का, जब ये आएंगे उस पे से मैं चलता हूँ फिर गाइस। तो बने रहे मेरे वीडियो पे। तो ये बस का जो लगेज है मैंने रख दिया हूँ बस का लगेज यहाँ पे, और चलते हैं बस के अंदर और बस का आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। ये भी फुल्ली लोडेड अच्छी वॉल्वो सिस्टम की बस है। यहाँ पे कार्ड पेमेंट करते हैं, कार्ड पेमेंट करके फिर ये है मेरी फ्रंट सीट, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ से बैठ के करते हैं पूरा सिटी को एक्सप्लोर, मज़ा आता है, क्योंकि ये है स्पेशल सीट फॉर द बाकू। ओके देख सकते हैं दोस्तों के मैंने अभी पहुंच चुका हूं सेंटर में, और यहां की ये जो बस है एयरपोर्ट से लाई है मेरे को और ड्रॉप की है यहां के जो सेंटर पे है। देखिए दोनों बसें, कितनी लग्जरी बस है ये एक्चुअली, कितने कंफर्टेबल है, और इतना अच्छा मेरा ड्राइवर का व्यू था सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, कितना अच्छा यहाँ का व्यू है बस का। देखिए इतना सस्ता में लेके आया है लोग ने, तो इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ट्रांसपोर्ट यूज़ करो यहाँ का जो लोकल है। तो अभी मेरे को यहाँ से चलना है हॉस्टल, तो मेरे को चेक करना है रूट कि कौन सी जाती है बस मेरे हॉस्टल तक, क्योंकि यहाँ से आई थिंक मैं भी हॉस्टल थोड़ा सा दूर है, तो पता नहीं अभी मेरे को रूट का कुछ आइडिया तो है नहीं। यहाँ पर कुछ गार्डन वगैरह भी है सेंटर का, तो कोई देखते हैं लोकल से बात करके यहाँ से कि कौन सी टैक्सी कौन सी बस के लिए क्या मिलता है। तो ओके गाइस चलते हैं फिर हॉस्टल की तरफ।